आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा शबीना खुर्शीद साहबा और मोहतरमा गजाला ज़िया साहबा हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इन्हें प्रोग्राम में शिरकत करने पर हम खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा शबीना खुर्शीद साहबा तलावत कुरान मजीद पढ़ने की सआदत हासिल करेंगी। जी بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گی محترمہ غزالہ ضیاء صاحبہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خاص پہ تار کے قرآن ہو کر جب سے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا جب سے ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی آج آپ دنیا کے حالات دیکھیں لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں اور ہر بندہ یہی شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تو آج کی جو نشست ہے اس نشست میں ہمارے محترمہ ہمارے مہمان ہیں شبینہ خورشید صاحبہ جو اسلامک سٹڈی میں ایم فل ہیں اور بنات الحسنہ کے نام سے فوٹ آباد میں ایک بڑا قرآنی تعلیم کا ادارہ چلا رہی ہیں اور آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہیں 40 سے زائد ممالک میں ان کا نیٹ ورک ہے آج وہ ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر تشریف لائیں آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ وہ محترمہ شخصیت ہیں کہ جو خاتون ہونے کے ناطے مساجد کی تعمیر میں بھی لگی ہوئی ہے اور دینی تعلیمی ادارے کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے اور ایک طرف آن لائن کا سسٹم بھی چلا رہی ہے اور دوسری طرف میٹرک تک بچیوں کو تعلیم دے رہی ہے یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک سعادت والی بات ہے کہ اتنی عظیم شخصیت جس کا فوٹ آباد علاقے سے تعلق ہے اور انہوں نے ایک پسماندہ اور دور افتادہ علاقے میں یہ کام شروع کیا محترمہ شبینہ خورشید صاحبہ جی کیا حال ہے آپ کا جی خیریت سے ہیں تو آپ نے یہ جو تعلیمی ادارہ بنات الحسنہ کے نام سے شروع کیا اس میں آپ سب سے زیادہ کس چیز کو فوکس کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ ادارہ جو پاکستان کے ایسے علاقے میں جہاں قرآن کی تعلیم کی صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ بہت بڑا بحران تھا اور اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کے جوانی کے ٹائم تک اور یہ طرف آئے سے آئے دن بڑھتی چلی گئی ابھی چونکہ جو میرے علاقے میں اور اس امت مسلمہ کے لیے میں ایک ہی چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہوں اور وہ بہت زیادہ ہے
तर्जमा तफसीर फिका तफार इसके अलावा सीरत नबी और फिका इस्लामी ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूट खवातीन बड़े शहरों में हैं बहुत अच्छे तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही शौक था कि अल्लाह का कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ुबान में पढ़ा जाए तो उससे बरकत मिलेगी और इन अल्फाज के अंदर जो मोतियों जैसे हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हैं। क्या फ़ायदा रब का कलाम इतना नौरानी जो फरिश्तों के जरिए पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, आज हम उसको उर्दू लहजों में, पंजाबी लहजों में और इंग्लिश लहजों में और अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में पढ़ेंगे तो उस कलाम की तस्दीक नहीं मिलेगी। वरतिलकुरानतिला यही हमारे इदारे का मोटो है कि अल्लज़ीन यतलूनहु हक़्क़ तिलावती तिलावत ऐसे करो कुरान की कि उसका हक अदा हो सके। इतना बड़ा नेटवर्क आप चला रही हैं तो आपको फंडिंग कहाँ से आती है? इस इदारे का जो मकसद फंडिंग है भी नहीं और इंशाल्लाह रहेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जितने भी इस इदारे में हमारे स्टूडेंट स्टाफ पढ़ते हैं और स्टाफ पढ़ाता है तकरीबन स्टाफ की तादाद 35 से 40 टीचर पर मौजूद है और इसके अलावा और भी कारकुनान और मेम्बरान मौजूद हैं। ये तालीम हम जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देती हैं उनकी सेमेस्टर वाइज फीसें होती हैं, जिससे अल्लाह का शुक्र है कि हर इदारा अपनी अखराजात खुद ही उठा लेता है, लेकिन कुछ ऐसी बहनें हैं कि जो इदारे के साथ गाहे बगाहे गिफ्ट की सूरत में, तआवुन की सूरत में अल्लाह के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए मदद भी करती रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मदद आपके ही तहत इस अदारे को चला रही हैं और जो लोग अपनी मदद आपके तहत चलते हैं वो यकीनी बात है वो कामयाबी की तरफ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी आपको कुछ ना कुछ फंडिंग कुछ लोग कर देते हैं तो उसका इस्तेमाल आप बेहतर अंदाज में कर रहे हैं? कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लोग लगा रहे? फंडिंग के इल्ज़ाम आज से नहीं है, ये काफ़ी देर पहले की बात है। पहले अलाकाई थे, फिर ज़िला लेवल पे, फिर पाकिस्तान लेवल पे और इस टाइम दुनिया लेवल पे जो है ये चीज़ उठ रही है और हर बड़े इंसान की ज़ुबान पर यही है कि शायद ये सारे जितने भी सर्कल चल रहा है बिना भरोसा की फंडिंग बेस पे है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फंड ज़कात और सदक़ात पे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उसके लिए भी पहले छोटे पैमाने पे और अब बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये है कि ये इदारा अंडर रजिस्ट्रेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका फंड का गलत इस्तेमाल, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सन नहीं पूरे इदारे की कमेटी है और अब ये कमेटी ज़िला लेवल पर मौजूद आ गई है जो फंड्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहाँ भी लगाए जाते हैं वो मेरी ज़ेरे निगरानी होती है और पूरी कोशिश होती है कि जिस मद में जहाँ से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसी लेवल पर तैयार किया। ये यकीनी बात है कि जो लोग दीन का काम करते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, बहरहाल फिर भी आप अपने हिसाब और किताब के मुताबिक आप मुतमिन हैं कि आपका जो निज़ाम चल रहा है वो सही अंदाज में आपके फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ मुतमिन ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और जहाँ भी मैं नाज़रीन को, अपने स्टूडेंट्स को और दुनिया भर के जितने भी लोग इस इदारे से जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, सबको यही पैगाम दूँगी कि मेरी ज़िंदगी के बाद भी आपको कहीं शुबा हो कि शायद ये हमने इदारे को वक्त की थी और ये इसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, तो वो अपनी दी हुई चीज़ किसी भी टाइम किसी भी मोड़ पे उसको वापस लेने का हक रखेगा और इंशाल्लाह ये इदारा उसको वापस करेगा। वैसे आम जो हमारे अंदर रिवाज है ना कि जो लोग फंडिंग करते हैं वो इतराज़ नहीं करते, इतराज़ वो करते हैं जो कुछ भी नहीं देते, ऐसे आपके साथ भी है? असल में जो इस इदारे के मुखालिफीन में मर्द हजरात ज़्यादा हैं और ख़वातीन का बहुत कम इसमें अमल दखल है, तो ज़ाहिर बात है जब इलाके में हज़ारों में से कुछ चंद ख़वातीन काम करेंगी और मर्दों की फिर मुखालफत सहना ये बहुत बड़ी आजमाइश है, तो अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करें। मेरे अलावा मेरे मेम्बरान को और हमारे स्टाफ को भी इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि इस इदारे का मकसद सिर्फ फंडिंग नहीं है कि अगर बिलफर्ज कोई भी नहीं देता तो ये इदारा बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये अल्लाह के मराकज हैं, ये हमेशा आबाद रहते हैं और मैं आपका हौसला इस शेर के साथ आपका बढ़ाना चाहता हूँ,
तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और हकीकत है कि जितनी ज्यादा मुखालफत होती है उतना मुझे तो काम करने का बहुत मजा आता है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि मुखालफत जितनी ज्यादा होगी उतना ही काम आपका पड़ेगा, और जिस काम की मुखालफत नहीं होती उसमें शक होता है कि शायद ये मुनाफकत पाई जाती है। तो मोहतरमा, ये इतना बड़ा अदारा, इसमें यकीनी बात है कि फंड्स फिर भी दरकार होते हैं, तो मैं डोनर हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस अदारे का विजिट करें, और आपको अगर इनका काम पसंद आए तो इनके साथ आप तावन जरूर कीजिए। बाकी मेरा ये आपसे सवाल है कि आप सिर्फ दीनी तालीम की तरफ ही तवज्जो दे रहे हैं कि या आपका कोई मकसद आगे दुनियावी तालीम में भी आप वर्क कर रही हैं? दुनिया भर में पढ़ाकर यही तजर्बा हुआ है कि इल्म की दो आंखें हैं, एक दुनियावी इल्म है और एक दीनी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब एक आंख पढ़ लेंगे और दूसरी आंख से टेढ़ा मेढ़ा देखेंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकते। जब तक ये दोनों तालीमें हमारे पास मौजूद नहीं होंगी, फिर इसी कुरान की खातर अल्लाह की राह पे चलने के लिए यानी फिर इस्लामिक स्टडीज़ में मुकम्मल किया, जिसमें भी उसमें भी मेरे यही ज़्यादा टॉपिक्स थे कि कुरान पाक की राह, तजवीद, उसकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से उसको रिसर्च करके माशाल्लाह काफ़ी सारी थीसिस असाइनमेंट्स जो हैं वो उसको प्रूफ रीड करवाए गए और बेहतरीन स्कॉलर्स की जेर निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। तो बात ये है कि सिर्फ दीनी तालीम, चूँकि ये मदरसा नहीं है, ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, और जो इदारे की बिल्डिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिनातुल हुस्ना इस्लामिक हाई स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें मिडिल तक ऑक्सफोर्ड का सिलेबस और हाई जो पार्ट है उसको कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ाया जाता है। और इसमें तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सारे अखराज इदारा अफोर्ड करता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुतवस्सित घरानों से हैं वो हाफ अखराज पे करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं माशाल्लाह कि उनको हमारे तामून की ज़रूरत नहीं रहती बल्कि वो खुद अपनी फीसें भी पे करते हैं और इस इदारे की खिदमत भी करते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो आप कैसे चला रही हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट, ये तो वो अल्लाह की घर है कि कोई शाम को सुबह ऐसी नहीं हुई कि हमारी वेबसाइट पे न्यू एडमिशन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कभी एडवर्टाइजमेंट का मौका ही मिला कि लोगों से कहा जाए कि आप दाखिला लें, आप एडमिशन लें। इस वक्त ज़िला बहावल नगर में जितनी भी गवर्नमेंट टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी इदारे से ऑनलाइन पढ़ रही हैं, और इसके अलावा दुनिया भर के 14 ममालिक ऐसे हैं जहाँ से ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं। जो पढ़ाने वाला उस्ताद है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि एक साल पहले उस टीचर को भर्ती करके उसको अदर सिटी से और अदर कंट्री से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पढ़ाने की तरबियत दी जाती है, और एक साल बाद जब वो अपने अच्छे पैनल के साथ पढ़ाना शुरू कर देती है तो वो अपने कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस इदारे में 40 स्टाफ मेंबरान ऐसे हैं जो एज अ टीचिंग पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम कर रही हैं, और वो सारी की सारी किरात और तजवीद और उसमें किरात के मुताबिक उनका सिलेबस है। ऑनलाइन क्लासेस जो आप ले रही हैं, ये पाकिस्तान से बाहर कितने ममालिक में आपका नेटवर्क मौजूद है? ये तकरीबन 14 से 15 के ममालिक में इसका है, लेकिन ये जो हमारा ऑनलाइन डिपार्टमेंट है ये पूरी एक बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है जहाँ 24 घंटे क्लासेस का सर्कल जारी रहता है। दिन और रात में टीचर्स के जो ग्रुप हैं वो चेंज होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नाइट और डे की प्रिंसिपल के साथ ये ड्यूटी, ये काम कुरान के दिन रात ये पढ़ाने का सिलसिला चलता रहता है। आज हमारे इस सेशन का जो इंटरव्यू था मोहतरमा शबीना खुर्शीद साहबा से, आज मेरा पहला इंटरव्यू था, और बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन के इंटरव्यू किए, लेकिन एक दीन पर, दीनी मौजूआत पर किसी खातून का इंटरव्यू शायद मेरी ज़िंदगी में पहला है, और मुझे इनके जज्बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, इनका काम देखकर बड़ी खुशी हुई, और इनके मुस्तकबिल की प्लानिंग देखकर बड़ी खुशी हुई। और मैं ये शेर इनके लिए रखा हुआ था कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, आप अपना ख्याल रखिएगा, और इस बैना के लिए ज़रूर बार ज़रूर
आप दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इन्हें अपने काम में बरकत अता फरमाए और ये जिस मिशन के लिए आगे बढ़ रही हैं इन्हें अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और तमाम नाजरीन की दुआएं हमारी इस मोहतरमा बहना के साथ हैं। बिन्नातुल हुस्ना के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, ऑनलाइन तालीम दे रहा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसका पैगाम दुनिया भर में फैलाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने मेजबान शाह जिया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।